इसके अंदर आपको एवरेज जरूर मिल जाएगा हाँ, लेकिन वो बात नहीं मिलेगी जो टाटा की टिपर में मिलेगी। इंग्लैंड में क्या है ना, पहले जो थी थोड़ी गड़बड़ थी, अब जो नए मॉडल में निकाली वो सही है गाड़ी। पार्ट्स वगैरह की बहुत प्रॉब्लम होती है उसके अंदर और मेंटेनेंस बहुत हाई होता है उसका। और उसके में डालडा और घी में फर्क होता है ना। अच्छा हाँ सही, डालडा होता है, घी होता है सही। ये पैक है ना, ये ओपन नहीं है ये। अच्छा ऊपर से ओपन नहीं है ये। मान लो खुद के लिए लेना है आज की डेट में टिपर, अब ड्राइवर हो 20 साल पुराने अनुभव वाले, तो आप क्या लेना पसंद करोगे? मैं हूं सुमित और आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है ऑन रोड विथ सुमित में। जी हाँ, चैनल का नाम रिसेंटली इट्स सुमित कुमार से अभी मैंने ऑन रोड विथ सुमित किया है। बाकी बोलने की जो है वो मतलब आदत में जो है इट्स सुमित कुमार आ जाता है, बट मेरा मतलब एक ख्याल था थोड़ा सा कि जो चैनल का नेम है वो थोड़ा सा चैनल के कॉन्टेंट को रिजेंबल करे, इसीलिए मैंने अभी अभी जो है चैनल का नाम जो है एडिट किया है। तो वो लोग बताइएगा आप कैसा लगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक लीलैंड के AVTR सीरीज़ के इस टिपर के बारे में। जी हाँ, अभी तक मैंने आपको इस चैनल पे टाटा के जो टिपर हैं उनके बारे में बताया, पर अशोक लीलैंड का टिपर मैंने कवर नहीं किया था और आज मुझे सौभाग्य से इसकी वीडियो बनाने का अवसर भी मिल गया, तो मैंने सोचा आप लोगों को इसकी जानकारी जो दी जाए। फिलहाल मैं हूँ भोपाल में और ये गाड़ी भी है गाइस भोपाल की ही। गाड़ी का सीरीज़ नंबर आपको बता दूँ तो यहाँ पे आप देखिए 3525 TU जो है वो ये है, 1 2 3 4 5 6 12 टायर का ये टिपर है और देखने में भाई काफ़ी बढ़िया जो लुक्स के साथ है वो यहाँ पे दिख रहा है। लुक वाइज जो है AVTR सीरीज़ का जो अभी लेटेस्ट केबिन जो अशोक लीलैंड का आया हुआ है देखने में काफ़ी अच्छा है। टाटा के जो टिपर में है वो मुझे स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी थी, अब इसके अंदर चल के देखेंगे गाइस क्या इसकी कहानी है, कैसा इसका इंजन है, पावर वाइज वगैरह गाड़ी कैसी है और लोड वोड जो है वो कितना उठा लेती है। इन लोग ये जो भैया हैं उस्ताद अभी वो इसको किस उस पर चलाते हैं, केबिन कैसा है, वो सारी चीज़ें तो बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ यही 350-400 लीटर के आसपास की ये इसकी टंकी है और टायर के इसका साइज़ आप देख लीजिए यहाँ पर 11R20 जो है वो यहाँ पे टायर का साइज़ है। बाकी यहाँ से अगर आप देखें तो इसका इंजन गाइस साफ साफ यहाँ से दिख रहा है। देखिए जैसी जो है टिपर्स में काफ़ी ज़्यादा हैवी भी होता है। बाकी ये यहाँ पे इसका हाइड्रोलिक जो है वो दिया हुआ है जिससे कि इसमें माल अनलोड करने में काफ़ी आसानी रहती है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको थोड़ा सा केबिन जो है इस गाड़ी का दिखाता हूँ। तो गाइस मैं फिलहाल हूँ अशोक लीलैंड के, सॉरी टाटा नाम बार बार आ रहा है, अशोक लीलैंड के इस 3525 TU टिपर के अंदर और इसका केबिन आप देख सकते हैं टोटल कंपनी से जो आया था वैसा ही, ज़्यादा कुछ खास मॉडिफिकेशन इसके अंदर है नहीं, बट सीट को थोड़ी सी फ्लैट इसमें करवा दी गई है। और ये देखिए पीछे का कुछ मिरर वगैरह जो है वो ये है। भैया आप लोग एक बार अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप लोग? रघुवीर मीना जी, बीना, बीना, बीना से, बीना से। अच्छा बीना से हैं रघुवीर जी, बीना से हैं। आपका नाम भैया? अनीस। अनीस आप भोपाल से? भोपाली हैं। हाँ भाई हम, मेरा नाम फारूक है और मैं यहीं से हूँ, भोपाल से हैं। ये गाड़ी कितनी पुरानी है कुछ बता सकते हैं? ये गाड़ी 1 साल 9 महीने पुरानी है। 1 साल 9 महीने मतलब BS6 है जी। इसमें DEF फ्लूइड एयर ब्लू जो है वो डलता है? बिल्कुल डलता है। अच्छा अच्छा आप कब से चला रहे हैं इस टिपर को भैया, थोड़ा बताएं? ये हैं भैया चलाने वाले। अच्छा आप हाँ, कब से चला रहे हैं? 3 महीने से। 3 महीने से इसको चला रहे हैं? हाँ। और टोटल ट्रक या फिर टिपर इस गाड़ी लाइन में आप कब से हैं? गाड़ी लाइन में तो बहुत पहले से। फिर भी कुछ अंदाजा? 20 साल हो गए। और 20 साल में आपने अशोक लीलैंड के टिपर के अलावा और क्या क्या चलाया? थोड़ा सा टाटा सबसे ज्यादा चलाया है और इसको 3 महीने से चला रहे हैं। 3 महीने में आपको दोनों में जो कुछ फर्क है वो तो अंदाजा लग गया होगा, गाड़ी कैसी क्या है कुछ अच्छे से मतलब समझ गया होगा कि भाई घाट पे उसका रिस्पांस कैसा है, इसका रिस्पांस कैसा है, इसमें वजन कितना ले जा सकते हैं, उसमें कितना, वो सारी चीजें। तो उसके बारे में कुछ जानकारी जो है वो मैं आपसे। लीलैंड में क्या है ना, पहले जो थी थोड़ी गड़बड़ थी, अब जो नए मॉडल में निकाली वो सही है गाड़ी। अच्छा गाड़ी मस्त गाड़ी चलती है। अच्छा अच्छा थोड़ा सा भी एवरेज का भी फर्क पड़ता है इसमें, लीलैंड और टाटा में एवरेज का भी बहुत फर्क पड़ता है। लीलैंड का एवरेज टाटा से ज्यादा है, इसका एवरेज ज्यादा है इसलिए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं।
लीलैंड को। अच्छा अच्छा, मतलब वो जो अशोक लीलैंड की पुरानी गाड़ियों में पावर ड्रॉप होने की जैसे घाट वाट पे वजन लेके जा रही है गाड़ी, अच्छा सा तो मौसम बार बार तोड़ देती थी, इसमें क्या कहानी है? ये मौसम नहीं तोड़ती, इंजन अच्छा है। अच्छा कितने गियर हैं इसमें टोटल? आठ गियर हैं, एक रिवर्स और एक आठ और एक सी गियर भी है, मतलब इसमें भी कमिंस का इंजन दिया है। दस गियर हैं टोटल, रिवर्स और सी गियर मिला के टोटल 10 गियर हैं। और कमिंस का इंजन गाइस आप सभी को पता है टॉर्क के लिए जाना जाता है और काफी शानदार जो है, मतलब पावर एकदम पिकअप तो नहीं बोलेंगे बट हाँ घाट सेक्शन वगैरह में जब गाड़ी फुल्ली लोडेड हो एकदम हाईली तब ये काफी बढ़िया जो है परफॉर्म करता है। केबिन वगैरह कैसा लगा आपको भैया? कितने लोग चलते हो वैसे गाड़ी में आप? सिंगल ही चलते हो, हेल्पर वगैरह कोई साथ में नहीं? अच्छा अच्छा, तो केबिन कैसा लगा मतलब एक व्यक्ति के लिए? कभी रात वात रुकना पड़े तो सही है, छोटा तो नहीं लगता? तीन जने आराम से सो जाते हैं, कोई दिक्कत होगी तीन में बाकी दो आराम से दो आराम से सो जाते हैं। हाँ सही है। वैसे ये जो सीटें हैं ये शुरुआत में ऐसी आई होगी जैसी अभी ड्राइवर सीट है, ये तो बनाई नहीं है। तो केबिन कुल मिला के कंफर्टेबल है। अच्छा इस गाड़ी को आप दिन में कितने किलोमीटर चलाते हैं भैया? हाँ सुबह बीना से निकले थे 6:30 बजे। बीना से हम 10:30 बजे। अच्छा मतलब दिन भर में 500 किलोमीटर रगड़ देते हैं इसको, और 500 किलोमीटर में कमर वमर दर्द का कुछ ऐसा कुछ लग, बैठक कैसी है कुल मिला के? आराम है इसमें, कंफर्टेबल है, स्टीयरिंग वगैरह इसकी लग्जरी है। अच्छा अच्छा, जर्किंग करती है, इंटरव्यू ड्राइवर को दिक्कत नहीं होती, ज्यादा धचके वचके नहीं लगते। गाड़ी भी है ना 12 चक्के गाड़ी है तो बिल्कुल। अच्छा लोड वोड क्या मतलब इसमें क्या भरते हैं आप ज्यादातर और कितना भरते हैं वो बताइए? कितना वजन रहता है लगभग इसमें? लगभग 29 टन 30 टन होता होगा मैक्सिमम, 30 टन भी नहीं पहुंचता है। फ्लाई एश जिससे वो ईंटे वगैरह बनती है, सीमेंट बनती है, वही सीमेंट वाली ईंट जो? अच्छा तो वो तो यार वैसे वी शेप वाले टैंकरों में जाती है फ्लाई एश, डंपरों में कब से जाने लगे? ये पैक है ना, ये ओपन नहीं है। अच्छा ऊपर से ओपन नहीं है ये, तो इसका मतलब ये काम करवाने का एक्स्ट्रा खर्चा होगा इसमें? ये पूरा बॉडी वॉडी का कंपनी से तो ऐसा नहीं आया होगा ये? अच्छा मेनली, अच्छा अच्छा मेनली ये जो टिपर है ये रेत वेत में चलाते हैं इधर के लोग, रेत में नर्मदा से लेके आएंगे बढ़िया, तो फुल यदि इसमें रेत भर दी जाए तो फिर तो वजन का कोई हिसाब नहीं रहता। कभी ट्राई करके देखा है मतलब कैसा रिस्पांस देती है रेत में गाड़ी? नहीं चलाई, मतलब उसमें थोड़ा ज्यादा पावर लगता है। मैं ये पूछ रहा था भैया मतलब 30 टन में एवरेज वगैरह कितना क्या है अभी गाड़ी का? 4 से कम नहीं देती। और खाली में 5 तक जाता है क्या? 5 तक मतलब डंपर में 5 का एवरेज? 5 तक तो नहीं जाता होगा। आपने चलाया इस गाड़ी? चलाया लेकिन 4 से समथिंग ही है बस, खाली ना भरा दोनों चलेंगे, एक तरफ से खाली आता है एक तरफ से भरा रहता है। 4 के आसपास लिमिट वही आ जाता है 4 का। 4 का 5 नहीं तो 5 यार कोई डंपर दे रहा मतलब बहुत अच्छा एवरेज दे रहा है। 4 से समथिंग है, 4 के समथिंग है। अच्छा अच्छा टोटल अभी 1 साल पुराना है ना ये? कितना चला हुआ है लगभग? 1.5 साल पुराना है। 42,000 मात्र चला है, बहुत कम नहीं चला यार ये? कम ही चलता है, है? चलती है गाड़ी, ज्यादा खड़ी है, ये खड़ी हो जाएगी 5-6 दिन में खड़ी रहती है, लोड होगी फिर आएगी भोपाल, फिर भोपाल से फिर बीना, बस यही इसका काम। तो जिन सेट की ये गाड़ी है उनके पास मतलब अशोक लीलैंड की और कितनी गाड़ियां हैं कुछ बता सकते? 3 गाड़ियां और हैं। हां जी, तो वो नए मॉडल की है कि पुरानी? पुराने मॉडल की है। पुरानी है? हाँ जी। अशोक लीलैंड में नया सिर्फ यही है? नया सिर्फ यही है। अच्छा तो आप मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो खुद के लिए लेना है आज की डेट में टिपर, आप ड्राइवर हो 20 साल पुराने अनुभव वाले, तो आप क्या लेना पसंद करोगे इसको चलाने के बाद भी जैसे इसमें सारी कमियां दूर हो गई, तो अशोक लीलैंड भारत में या टाटा क्या पसंद है आप, क्या पसंद आएगा? टाटा या लीलैंड गाड़ी पसंद करते? भारत बेंच क्यों नहीं, मतलब क्या बुरा लग गया? भारत बेंच का क्या है उसमें की तो गाड़ी महंगी है थोड़ी सी इन दोनों के मुकाबले, वगैरह की बहुत प्रॉब्लम होती है उसके अंदर और मेंटेनेंस बहुत हाई होता है उसका, उसके मेंटेनेंस का हर कहीं नहीं मिलती।
अच्छा सामान हर जगह नहीं मिलता है, सामान नहीं मिलता पर इनका हर कहीं मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ बाईपास पे खड़ी हो गई, ये दुकानों में जाओगे तो यही कुछ ना कुछ काम तो कर ही देंगे। टाटा लीलैंड में हो जाता, भारत में इनमें नहीं होता। भारत में BMW और गाड़ी आएंगे ना, आयशर वगैरह इनमें। और अशोक लीलैंड या टाटा में से भी मेरा मानना है कि आप टाटा ही चूज करोगे बेस्ट मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही प्रचलित है भारत में, उसकी बात और है, उसकी बराबरी कोई कंपनी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती है, डालडा और घी में फर्क होता है ना। अच्छा हाँ सही, डालडा होता है घी होता है। सही उदाहरण दिया आपने, इसके अंदर आपको एवरेज जरूर मिल जाएगा लेकिन वो बात नहीं मिलेगी जो टाटा के टिपर में मिलेगी। अच्छा भाई, इसके कीमत में और टाटा की कीमत में कितना फर्क आता है? लगभग सेम गाड़ी यदि लें अपन तो फर्क आता है इसके अंदर, कुछ फर्क आता है मैं आपको बताऊंगा। टाटा की ज्यादा महंगी पड़ती है इसको, तो 3-4 लाख रुपए का बहुत से बहुत। हाँ 5-6 लाख के समथिंग फर्क आता है सेम गाड़ी में। हाँ जी है ना जी, तो वो तो फिर कोई सीधी सी बात है, जाएंगे इस पे। अब कमिंस इंजन यदि मैंने देखा है इसमें दे दिया तो फिर कोई खास ज्यादा बड़ा फर्क रह नहीं गया टाटा में और इसमें, क्योंकि ये इंजन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और बाकी कोई खास बड़ी दिक्कत आपको गाड़ी में लगी हो कुछ बताना चाहें? अभी तक कुछ दिक्कत नहीं लगी, कहीं परेशानी नहीं थी गाड़ी ने, कहीं खड़ी तो नहीं हुई ऐसा होगी? जैसे डंपरों में एक बड़ी प्रॉब्लम होती, क्राउन राउंड टूट जाता है कहीं से लोड वोड में, नहीं है हीट वीट तो नहीं होती और गाड़ी नहीं। अच्छा सर्विस वर्विस करवाई आपने खुद सामने से कभी? सर्विस इन्होंने करवाई, हो चुकी है। अच्छा सर्विस हो गई ना, तीन सर्विस हो गई। कितना खर्चा आता है इसकी एक सर्विस में, कुछ बता सकते हैं? 12-15 हज़ार तो ऊपर जाता है एक सर्विस का खर्चा। चलिए तो मतलब ओवरऑल अभी तक गाड़ी बढ़िया चल रही है, एक साल में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा वो यूरिया कितना पीती है गाड़ी, कुछ है उसका अंदाजा? 20-22 लीटर। 20 लीटर तो एक बाल्टी का आता ही है, पर वो कितने किलोमीटर चलता है? गाड़ी तो 1000-1200 किलोमीटर चलेगी एक बाल्टी अंदाजन? 1200-1500 इतना तो यूरिया पिएगी, 4 का एवरेज देगी, 30 टन माल रखेगी गाड़ी और दबा के चलेगी। यही है कहानी टोटल इस गाड़ी की। और गाड़ी अंदर से पूरी कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत अभी तक आपको लगी नहीं है? 2 लोग भी अगर इस गाड़ी के अंदर चले तो सही है, बिल्कुल। इसमें भी सही है, ड्राइवर वहाँ बैठ जाएगा। इसकी सीट जो आती है वो उस टाइप की नहीं होती है, सीट इसकी अलग होती है। हाँ ये फ्लैट बेड जो है बाद में बनवाते हैं, क्योंकि ये गाड़ी रुकती है वहाँ पे 7-8 दिन ये समथिंग वहाँ खड़ी होती है ये गाड़ी, तो ये डेली बेस पे चलने वाली रनिंग में नहीं है ये, इसलिए इसको कम्फर्टेबल ड्राइवर। अच्छा हाँ एक चीज मैं भूल गया, जैसे लाइट वगैरह कैसी है इसकी, हेडलाइट रात में ऐसा तो नहीं कुछ कम वम? जो कंपनी ने दी है इस पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत? इसकी अपन मेन फोकस पे करो ना तो लाइट ऊपर ज्यादा लगती है, तो सब सेटिंग वेटिंग करवाना करना पड़ती है। बाकी मतलब सही है विजिबिलिटी, वो उसको यदि एडजस्ट कर ले तो ऑल ओवर बढ़िया है। नहीं लाइट थोड़ी छोटी है ना, जिस टाटा जैसी थोड़ी बड़ी है ना तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। अच्छा मुझे लग रहा है अच्छा देने लगे। अच्छा अच्छा, और गियर ऐसा तो नहीं कि जल्दी जल्दी मांगती हो? ये जल्दी जल्दी नहीं मांगती, ठीक है नॉर्मली है भाई। ये था अशोक लीलैंड का टिपर और इसकी कहानी, इसके बारे में मैंने सारी चीज़ें लगभग जो मुझे पता थी या जो मेरे मन में आया वो मैंने इन लोगों से पूछ के आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो यदि पसंद आया तो गाइस इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।